Good morning, Honorable Prime Minister. Myself, Suman Mishra. Sir, I seek your advice on how should a student behave in a society. Thank you, sir. धन्यवाद मैम, माननीय प्रधानमंत्री जी. स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करें, यही पूछना है ना आपको. मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दायरे में रखना चाहिए. हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है, वो जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं, टेलीफोन पर घंटे बिता देते हैं, अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, भाई यहाँ जूते पहन करके आओ, यहाँ जूते निकालो, यहाँ इस ढंग से व्यवहार करो, यहाँ उस ढंग से करो, ऐसा आप कह सकते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है. उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए. मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा पे चर्चा पे ही कहा, कहीं और कहा मुझे याद नहीं है, मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं की एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहोगे, लो ये पैसे तुम्हें इतना देते हो और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह पे घूम करके वापस आओ और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ. आप देखिए, वो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके, उसमें विश्वास बढ़ेगा. फिर वो आपको ये नहीं चिल्लाएगा. और 12वीं का है तो उसको कहो तुम राज्य के बाहर जाकर के हुआ, देखिए ये इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख करके आओ और आकर के सबको समझाओ. आपने सचमुच में अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या, जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ. फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आए क्या, अरे जाओ जरा मिल करके आओ. उसको उसकी उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए. उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए. आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ना, हैं? पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको. हमारे यहां छुट्टियों में रहता था कि मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है. हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें, हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हां हमारा ध्यान रहना चाहिए. हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है. पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए. ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में, ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है. ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं. ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है,
मेरी जिंदगी में ऐसा था, तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा कि मान लीजिए आपके यहाँ वो सांप छछूंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चे को कहो भाई तुम जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, वो उसको पूछ करके आओ, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी जी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए आप, उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।